हेलो गाइस, की हाल चाल। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। गाइस, काफ़ी टाइम से आप लोग सेंट बर्नार्ड की वीडियो का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सेंट बर्नार्ड की वीडियो लेके आया हूँ। गाइस, सेंट बर्नार्ड जो ब्रीड है काफ़ी प्यारी ब्रीड में से एक है और बहुत से लोग इन्हें अपने घर में रखना पसंद करते हैं। बट गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, हर किसी के लिए इसे अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो खर्च होता है वो दूसरे डॉग से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप लोग सेंट बर्नार्ड लवर हैं और आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप लोग एक बार ज़रूर ये सोच लें कि आप लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो गाइस, आगे मैं वीडियो में आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें, जिससे आप लोगों को मेरे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स और वो भी बहुत ही कम प्राइस में लेके आता हूँ। सो गाइस, सेंट बर्नार्ड जो ब्रीड होती है वो अपने ओनर की काफ़ी वफादार होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे डॉग्स ऐसे होते हैं, जब वो खाना खाते हैं अगर हम लोग उन्हें बीच में छेड़ देते हैं तो वो काटने को दौड़ते हैं, तो सेंट बर्नार्ड के साथ ऐसा नहीं है। और अगर आप लोग इन्हें अकेला छोड़ेंगे घर में तो ये रोने भी लग जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो ये सेंट बर्नार्ड की ब्रीड होती है काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं तो इनको पता होता है कि इनके साथ कैसा बिहेव करना है। ये आपके बच्चों को कभी भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए इन्हें फ्रेंडली और फैमिली डॉग्स कहते हैं। वैसे तो गाइस, सेंट बर्नार्ड जो ब्रीड होती है काफ़ी आलसी ब्रीड होती है, बट इन्हें लंबा चलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो भी अपनी फैमिली के साथ। सो इन्हें हर रोज़ कम से कम 3-4 किलोमीटर की वॉक कराएं, तभी ये काफ़ी हेल्दी और इनकी बोन स्ट्रॉन्ग रहती है। फ्रेंड्स, जो सेंट बर्नार्ड ब्रीड होती है इन्हें गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये हमेशा सर्दी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके हेयर काफ़ी लॉन्ग होने की वजह से और इनका कोट काफ़ी थिक होने की वजह से इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सो आप लोगों को मेंटेन रखना पड़ेगा गर्मियों में इन्हें। और गाइस, जो सेंट बर्नार्ड ब्रीड होती है काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रीड होती है। अगर आप लोग इन्हें ट्रेन करना चाहते हैं तो आप इजीली इन्हें ट्रेन कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब से वीडियो देखकर भी इनको आराम से ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर आपके पास में आपके घर में कोई भी ट्रेंड सेंट बर्नार्ड है, तो अगर आप लोग कोई सेंट बर्नार्ड का पप्पी भी लेके आएंगे तो वो उसे देखकर आराम से खुद ब खुद ट्रेंड हो सकता है। और फ्रेंड्स, इनकी जो स्मेल सेंस होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है, अगर ज़मीन में 10 फीट तक भी नीचे कुछ हो तो ये उन्हें ईजिली स्मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अंदर क्या है। गाइज, अगर आप लोग सेंट बर्नार्ड पालना चाहते हैं तो एक चीज़ जरूर ध्यान में रखें, जैसा कि आप लोगों को पता ही होता है, जो सेंट बर्नार्ड ब्रीड है ये काफ़ी बड़ी ब्रीड है। इसे परचेज करने से पहले आप लोग एक चीज़ जरूर ध्यान में रखें कि आप लोगों का घर जो है वो ज़्यादा छोटा ना हो, क्योंकि छोटे घर में ये अच्छे से कम्फर्टेबल नहीं रह सकते, इनको थोड़ा बड़ा घर चाहिए जहाँ पर ये आराम से घूम फिर सकें। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, गर्मियों में आप लोग शायद ये सोच सकें कि इसको गर्मी ज़्यादा लगती है तो इसको नहला दूं, तो गाइस आप लोग ये गलत सोच रहे हैं। सेंट बर्नार्ड जो होते हैं इनकी स्किन पे एक ऑयली लेयर होती है जो इनकी स्किन और इनके हेयर को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप लोग इन्हें बार बार नहलाएंगे तो वो ऑयली लेयर जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी और इनको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेंट बर्नार्ड को आप लोग कम से कम 3 वीक में एक बार नहलाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इस सेंट बर्नार्ड के बारे में बात, चलिए अब मैं आप लोगों को इसके वैक्सीनेशन के बारे में बताता हूँ। गाइस, ये देखिए, ये इसके वैक्सीनेशन कार्ड है, ओनर ने जो है इसकी पूरी वैक्सीनेशन करा रखी है और वो भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर से। सो गाइस, अगर आप लोग इसे परचेज करते हैं तो साथ में वैक्सीनेशन कार्ड लेना ना भूलें। तो अब बात करते हैं इसकी एज, इसकी लोकेशन और इसके प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी एज बता देता हूँ। इसकी जो एज है वो है 8 मंथ 10 डेज और इसकी जो लोकेशन है वो है जगतपुरा जयपुर से। अगर आप लोग जयपुर के आसपास से हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 20,000 रुपये। गाइस, ओनर ने साथ में ये भी कहा है, अगर आप लोग इसे परचेज करने जाते हैं तो इसका प्राइस और भी कम हो सकता है, तो आप लोग एक बार ओनर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ओनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग डायरेक्ट जाकर वहाँ से ओनर को कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।